नमस्कार, सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद के मैच नंबर 8 की पूरी हाईलाइट के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, ये मैच खेला जा रहा था शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी के अंतर्गत। इस बार जो है सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और IPL 2020 में पहली बार टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया गया। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज आए डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो। डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 36 रन की एक शानदार पारी खेली, लेकिन जॉनी बेस्टो इस मैच में फ्लॉप रहे, 10 गेंदों में 5 रन ही बना पाए। उसके बाद मनीष पांडे ने 38 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। जब मनीष पांडे खेल रहे थे तो उस समय लग रहा था कि यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद टीम जो है 160-170 रन का टारगेट खड़ा करेगी। उसके बाद रिद्धिमान शाह ने 31 गेंदों में 30 रन बनाए, मोहम्मद नबी ने 8 गेंदों में 11 रन और अभिषेक शर्मा ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए। इस तरीके से ओवरऑल हम बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने 20 ओवरों में मात्र 142 रन बनाए, 4 विकेट गंवाकर। गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती और पैट कमिंस को एक एक सफलता हासिल की, लेकिन यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद को 142 रनों पर ही रोकने में कामयाब रहे। इसके यानी कि अब बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स को ये मैच जीतने के लिए 143 रन का टारगेट दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज आए शुभमन गिल और सुनील नारायण। उसके बाद नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक, इवन मॉर्गन, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी। ये था कोलकाता नाइट राइडर्स का बैटिंग क्रम और बहुत ही आसान तरीके से विकेट हाथ में रखते हुए यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच को जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पछाड़ा है। काफ़ी शानदार जीत यहाँ पे हासिल की है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो दोस्तों, ये थी पूरे मैच की हाईलाइट जिसके बारे में आपको बताया है। अगर आप चैनल पर नए हो, ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और जिस खिलाड़ी के खेल ने आपको प्रभावित किया उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।